देर से रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन सुना है आपने ध्यान से? आप अकेला सॉल्ट देख रहे हो, सॉल्ट की पीएच देख रहे हो कि वो न्यूट्रल होनी चाहिए। आपको बोल रहा है कि यहाँ पर एसिड और सॉल्ट दोनों हैं, तो डेट शुड बी डी। द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि 7 के नीचे वाले में एसिड का कंटेंट होगा प्रेजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओप और आउट भी होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट, विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। कीर्ति स्टैंड अप। तृप्ति या कीर्ति? कीर्ति की कीर्ति है। हाँ बेटा, रिएक्शन फीजिबल है? अब फीजिबल का क्या मतलब होता है? पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि अगर आपको बैलेंस इक्वेशन पूछी गई है, ठीक है, जब आप बैलेंस इक्वेशन लिखते हो उसके आगे जो नंबर्स लगाते हो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोफिशिएंट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, फीजिबिलिटी क्या होती है? Either the reaction is possible or not. हाँ जी, अब ये feasible है कि नहीं? क्या बनेगा बेटा? Color changes. किससे किसमें होगा? Blue to green. Okay. Now in this reaction you have to find the reducing agent and the substance that gets oxidized. Your 3-4 options are given. अरे ऑप्शंस में से बताओ ना। हाँ जी बोलिए। आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? सो ये करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। कॉपर के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन कैसी होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीजन। The reaction between copper and oxygen, ये किस type of reaction में आती है बेटा? आप कौन कौन सी reactions पढ़ के आए हो अभी तक? हैं? Displacement, decomposition, combination, double displacement. डिकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन कैसे है? तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा कंबाइन करके? ऑक्सीजन और कॉपर का। मुझे ये बताओ ऑक्साइड और ऑक्सीजन में क्या फर्क है बेटा? ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। सो द प्रोडक्ट विल बी आइदर CU और CU2। ठीक है, अगर कॉपर 1 स्टेट में है तो CU आ जाएगा, कॉपर 2 स्टेट में है तो CU2 आएगा, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज How will you protect yourself from the heat generated while diluting a concentrated acid? By adding acid to water,
with constant stirring? By adding water to acid with constant stirring? By adding water to acid followed by base? By adding base to acid with constant stirring? मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि हमने dilution कैसे करनी है किसी भी acid की. So we have to add acid to water. ठीक है, because a lot of heat energy is being generated in this process. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, यू आर गिवन सम ऑफ द ऑप्शंस ए बी सी डी और ये बिल्कुल इसका आंसर देगा. बिल्कुल दे दिया मास फर्स्टली बेटा. Now write down the question. Which of the following correctly represents the parent acid and the base of calcium carbonate? ये क्या था? Parent acid and the base of calcium carbonate. बेस कौन सा है कैल्शियम का? बी फोर. ये क्या खेल रहे हो आप? बी फोर कहने का क्या मतलब है? आई नो व्हाट इज बी. हाँ जी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर बेटा? वाई डी. फिर करेक्ट आंसर इज, आपने कैल्शियम कार्बोनेट से देखना किसमें बन रहा है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है. फिर व्हाई आर यू सेइंग दिस ऑप्शन? ठीक है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस कौन से होंगे? दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट राइट आओ. Why it is important to balance a skeletal chemical equation? Conservation of mass. ठीक है कि equal number of moles जो है वो दोनों तरफ क्या होने चाहिए? Combine करने चाहिए. So that means चलिए next पे चलते हैं. तो सेक्शंस भी हैं आपके, सेक्शन ए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी करते हैं. ठीक है, तो पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चंस हैं आपके. नेक्स्ट ओके, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस. दैट मींस 4 की चॉइस है आपके पास. ठीक है, तो पर्टिकुलर सेक्शंस में चॉइस है आपके पास. और सेक्शन बी अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन. ठीक है, एंड आई हैव क्लियरली मेंशनड दैट द फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 विल बी इवैल्यूएटेड. ये चीज आपको मैम की बता के गए हैं लास्ट टाइम. ठीक है, कि ये नहीं है कि 24 है तो आप सारे के सारे 24 कर दो ये सोच के कि इसमें से जो करेक्ट होंगे वो आ जाएंगे. बट ओनली फर्स्ट 20 विल बी इवैल्यूएटेड.
ऑलवेज। हाँ जी, जैसे सपोज आपने पहले 14 सारे कर लिए, उसके बाद आप 15 पे श्योर नहीं हो, आप 15 छोड़ सकते हो। आपने 16, 17, 18 ऐसे करके आगे कर लिए, ठीक है, आपको 20 वाला भी श्योर नहीं है, आप 21 अटेम्प्ट कर लो, तो आप ऐसे छोड़ सकते हो 4 क्वेश्चन इन बिटवीन इफ यू आर नॉट श्योर, ठीक है। अटेम्प्ट आपने फर्स्ट 20 कर लिए, तो अगर 15 वाला अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है तो फिर उसके मार्क्स क्यों मिलेंगे, तूने करने ही 20 था फिर। बेटा टोटल क्वेश्चंस 24 हैं, उसमें से सपोज अगर तेरे को 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तेरे को थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यू आर कंफ्यूज्ड, ठीक है। ऐसे ही आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने बाकी वाले जितने हैं वो सारे कर लिए 24 तक, तो टोटल कितने क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हुए हैं, 20 अटेम्प्ट हुए ना, तो वही 20 चेक होंगे फिर कि नहीं। चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये विनीत बताएगी। अब विनीत को कल हमने अच्छे से पढ़ाया है, व्हाट इज लाइमस्टोन, व्हाट इज स्लेक लाइम, इसको हमने सारा कुछ अच्छे से बहुत पढ़ाया है ना विनीत। चलो सो नाउ विनीत विल बी गिविंग द आंसर। सो देयर इज अ फ्लो चार्ट, ओके, सस्पेंस विल बी रिवील्ड जब मैं सारा लिखूंगी, अदरवाइज तो इधर उधर से पूछ लेना। तूने किया होगा फिर, चलो विनीत गिव द आंसर बेटा, पहले ये सारी चीजें मुझे क्लियर करो क्या है, बाद में क्वेश्चन तो बाद में आएगा, अभी पहले ये चीजें बताओ। सीएओ था बेटा, स्लेक लाइन था सीएओ, वाटर हमने ऐड किया, तू मुझे बस इतना आंसर बताओ बेटा, स्लेक लाइम का क्या फॉर्मूला है, और एक सिंगल वर्ड में बताना है बस, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना आपके मुंह से। स्लेक लाइम का क्या फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा स्लेक लाइम, हाँ जी क्या होता है, तो बोलते नहीं हो, व्हाट इज लाइमस्टोन, वो सीए होता है, क्विक लाइम क्या होता है फिर, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट करो, एक्स क्या है, हाँ तुम करो बेटा, मैंने आपको टाइम दिया हुआ है, करो एक्स बताओ क्या है, तुम स्लेक लाइन छोड़ो, एक्स की वैल्यू बताओ, घुमाती हो तो वैसे भी नहीं तुम इधर उधर, सिट डाउन, write down the complete question now, identify the correct option from the given table which represents the type of reaction that is occurring in step 1 and step 2, yahan par aapko endothermic reaction keh rahe hain aur yahan par aapko exothermic reactions ke bare mein keh rahe hain, if a
ए में आपको बोल रहे हैं कि जो स्टेप वन है दैट इज एंडो एंड स्टेप टू इज एक्टो, बी दोनों वाई बी वाई बी पहली एंडो है दूसरी एक्सो है पहली एक्सो पहली एंडो है ठीक है डेट इज करेक्ट पहली एंडो है। अब उसमें से ऑप्शंस बचते हैं बी एंड सी, बाकी ए एंड डी हमने निकाल दिए। अब दूसरी बताओ बी एक्सो क्यों होगी, कौन सी हीट निकल रही है इसमें, दैट इज एंड दोनों एंडो थर्टी क्या Your correct answer is C, where the first one is endothermic, but the second is not exothermic. हाँ तो मैं बोल रही हूँ second नहीं है ना exothermic. इसमें मैंने heat provide की. दो मिनट. एक्सो का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि यहाँ पर हीट एनर्जी नहीं निकली है, तो दैट डजंट मीन कि हमने देनी है तभी निकलेगी, दैट इज नेसेसरी, ये जरूरी थोड़ी ना है कि सेकंड स्टेप में आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी एनर्जी निकलेगी, क्या पता जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया वो यूज अप हो गई है और बाद में कुछ नहीं निकला है। ये रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हीट यूज हुई है, स्टेप टू में नहीं यूज हुई है, ठीक है जी। स्टेप में सेकंड में आप क्या कर रहे हो, आप तो सिंपली वाटर ऐड कर रहे हो, उसमें वाटर ऐड करोगे तो वो स्लेग लाइन बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है अभी मैं दिखा तो सकती नहीं हूँ आपको, तो आपने ये पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज अ टेबल दैट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर सब्सटेंसेस ए बी सी डी है, और इसमें से आपने आयनिक कंपाउंड बताना है कौन सा, ठीक है टेबल बना देती हूँ मैं। Second is not exo. स्टेप टू इज एंडो, स्टेप टू इज एंडो है ना, अगर वो एंडो है तो दोनों की एंडो की ऑप्शंस नहीं दी हुई है ना, हीट प्रोड्यूस होगी फिर। अगर स्टेप टू में हीट अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो बट इन्होंने लिखा नहीं है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये, दैट इज कंफ्यूजिंग, मैं एक बार देख लूंगी इसका कॉम्बिनेशन है। हाँ हीट इवॉल्व होगी
अगर आप कह रहे हो हीट इवॉल्व होगी, बाहर आएगी, बाहर होगी, तो फिर सी वाला ऑप्शन बन रहा है। अरे फर्स्ट एंडो तो वो कह रहे हैं, तो सेकंड में अच्छा एक्सो है। ओके हाँ, तो फिर हमने करेक्ट ऑप्शन सी का है। तू मेरे को कौन सा ऑप्शन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ जिसमें तू ये कह रहा है कि फर्स्ट वाला एंडो है और दूसरा वाला भी एंडो है, तो फिर वो सी ऑप्शन है ना। दोनों टिक वाले कह रहा है ना? हाँ, दोनों टिक वाले सी ऑप्शन। फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी कह रहे हो तुम कि फर्स्ट एंडो है और सेकंड एक्सो। चलिए आपने इसमें से बताना है विच वन इज दी आयनिक कंपाउंड, राइट डाउन दी ऑप्शंस। ए बी बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी एंड सी। हाउ? बिकॉज इन द सॉलिड स्टेट दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्वस और लिक्विड स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दैट इज द बी एंड सी। वो क्वेश्चन मैं देख के बताती हूँ।